तो प्यारे साथियों, रागनी हकीकत राय की आपके बीच में कुमारी पूनम त्यागी जी के द्वारा, और बात भी दोस्तों बताया है कि वक्त की वक्त से क्या शिकायत करें, ना वक्त रहा ये तो वक्त की बात होती है। वक्त की वक्त से क्या शिकायत करें, ना वक्त रहा ये तो वक्त की बात होती है। मेहरबानों हर बात की बात को बात नहीं कहते, बात तो बड़ी मुश्किल से बात होती है। प्यारे साथियों, कहा है कि मौत तो वही है जिसका दुनिया अफसोस करे। अरे मौत तो वही है जिसका दुनिया अफसोस करे। यूं तो जहान में सभी पैदा होते हैं मरने के लिए। हकीकत की फांसी की खबर जब सियालकोट में पहुंचती है, मां कोरा पिता भागमल और धर्मपत्नी लक्ष्मी को जब पता चलता है, अपने प्राण प्रिय की मौत की खबर सुनते ही लक्ष्मी के तन बदन में सांस निकल जाता है और एक बात के द्वारा रो करके क्या कहने लगी, आइए सुनते हैं पूनम त्यागी जी से। और क्या लिखती है गुरु मोदी ने, सुने हाल हकीकत का लक्ष्मी रोके न्यू बोली, मत रोवे मेरी सास, ओ मैं हमें सावधान कहती है सासू माँ, मेरी तो तकदीर ही फूटी है, परमात्मा ने ऐसा ही मेरे साथ लिखा है, किसी की कोई गलती नहीं है, विधाता ने जो लिखा है उसे कोई नहीं मिट सकता, हम तो उसके हाथों की कठपुतली है। लोग कहते हैं कि मैंने ये कर दिया, मैंने वो कर दिया, कोई कुछ नहीं करता, जो उसने लिख कर भेजा है वही हम करते हैं, और मेरे साथ ऐसा विधाता ने मेरे पुनर जो मेरा जन्म था उस जन्म में जरूर मैंने कुछ ऐसे कर्म करे होंगे जो आज मुझे ये भोगने को मिला है। और वो अभागन क्या कहती है, क्या बताया है, सुन हाल हकीकत का लक्ष्मी रोके न्यू बोली, मत रोवे तेरी सा
सासू माँ, पीहर में न बाप है न भाई है, न उनका प्यार प्रीत देखी। सास रे आई जिसके सहारे जिंदगी कटनी थी, आज वो सहारा भी छूट गया। और दूसरे अंतरे में क्या बताया है, ना बाप पीहर में ना पीर मा जाया, ना बाप पीहर में ना पीर मा जाया, परिवार सारा रे मुझ डायन ने खाया, परिवार सारा रे मुझ डायन ने खाया। एक जिंदी माँ मेरी, एक जिंदी माँ मेरी रोवे थी दुखियारी, कोई नहीं है पास हो मजबूर बना देता है। सासू माँ वक्त इंसान को मजबूर बना देता है। और क्या बताया है दूसरे अंतरे में क्या लिखा है, मेरी रात सपने में तकदीर रूठ गई, मेरी रात सपने में तकदीर रूठ गई, मेरी हाथ की चूड़ी मार रात टूट गई, मेरी जान की खैर नहीं सासू, घर कहाँ हो जरूर देता है परमात्मा, लेकिन इंसान कोई कोई उसको थाम लेता है और कोई कोई रेत की तरह उसको गिरा देता है। और दर्द वही महसूस कर सकता है, इस दिल का दर्द वही महसूस कर सकता है जिसके दिल में दर्द हो। और जब महसूस नहीं करता इंसान, जिस इंसान को फिर दर्द मिले तो उसका कोई दर्द महसूस नहीं करता, केवल अकेला खड़ा पाता है वो। और लास्ट अंतर में किस तरीके से क्या बताया है, करी आपके आगे मैं भाग की कोटी, मैं माता ने लिख दी कैसी किस्मत